कहानी के शुरू में हमें एक मूर्ति दिखाया जाता है जो कि ना ख़त्म होने वाला खाना और दौलत की देवी होती है। कहानी में आगे बताया जाता है 33 कोटि देवी देवताओं को इसी देवी ने जन्म दिया है और उनकी पहली जो संतान थी उनका नाम था हस्तर। लेकिन हस्तर बहुत लालची था, उसने अपने ही माँ से सारा सोना चोरी कर लिया और जब वो अनाज चोरी करने के लिए गया तो उसके बाकी भाई बहन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हस्तर को उसके भाई बहन मार ही देते लेकिन देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पे कि कोई उसका पूजा कभी नहीं करेगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बारिश में भीगती हुई एक औरत को तुम्बाड नाम के गांव में। इस गांव में हमेशा बारिश होता रहता है क्योंकि इस गांव के लोग हस्तर को पूजते थे और इसी वजह से बाकी देवता नाराज हो गए। अब इस गांव में कभी बारिश नहीं रुकता, हमेशा बारिश होता रहता है। अब इस गांव में सिर्फ एक ही बुरा आदमी बचा है जिसका नाम सरकार है और ये औरत उसी से मिलने गया है। औरत सरकार से सोने के सिक्के के बारे में पूछती लेकिन सरकार जवाब देता है सोना पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आगे सीन चेंज हो जाता है, हमें उस औरत की दो बेटों को दिखाया जाता है जिनमें से बड़े बेटे का नाम था विनायक राव और छोटे बेटे का नाम था शिवाशिव राव। जब उनकी माँ खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो वो दोनों अपनी दादी के लिए खाना बनाते हैं। पहली बार वो दोनों अपनी दादी को खाना खिलाने जा रहे, उन्होंने अपनी दादी को पहले कभी नहीं देखा ना ही कभी खाना खिलाने गए। लेकिन तभी जब वो लोग खाना लेके अपने दादी के घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी माँ अचानक से घर आ जाती है और उनको बहुत ज़्यादा डांटती है और मारती भी है और खुद खाना लेके दादी के कमरे में चली जाती है। फिर जंजीरों से बांधा हुआ एक अजीब सा पैर हमें दिखाया जाता है जिसका नाखून वो औरत काट रही थी। फिर एक दिन दोनों भाई मिलके बात कर रहे थे, छोटा भाई पेड़ के ऊपर बैठा था, अचानक से वो पेड़ से गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा घाव लग जाता है। बड़ा भाई जाके अपने माँ को बुला के लाता है, फिर उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और अपने घायल बेटे को इलाज के लिए ले जा रही होती है। तब उसका बड़ा बेटा शिवाशिव पूछता है माँ अगर दादी को भूख लगे तो क्या। तब उसका माँ बोलता है कि दादी को आज खाना तुझे ही खिलाना पड़ेगा लेकिन दादी के पास मत जाना और दादी अगर जाग जाए तो दादी बोलना सोजा वरना हंसता रह जाएगा। और माँ चली जाती है अपने छोटे बेटे को ले कर इलाज के लिए। लड़का जब खाना देने जाता है दादी उसको सोने का लालच दे के अंदर बुलाती है। लड़के ने पहली बार अपनी दादी को देखा, उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। फिर थोड़ी देर बाद दादी उस पर हमला कर देती है। लड़का डर की वजह से माँ जो सिखा के गया वो नाम भूल गया था। फिर दादी जब उसको मारने ही वाला था तब उसको वो नाम याद आ जाता है और वो कहता है सोजा दादी नहीं तो हस्तर आ जाएगा और दादी सो जाती है और अपनी जान बचा के वो वहाँ से निकल आता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसका माँ घर आ जाती है, माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। लड़का समझ जाता है कि उसका छोटा भाई अब नहीं रहा, अब वो दोनों गांव छोड़ के बहुत दूर जा रहे होते हैं। तब लड़का माँ से पूछता है माँ सोने के बारे में बता। माँ पहले तो लड़के को चुप रहने को बोलता है, फिर लड़का जब फिर पूछता है तो माँ उसके हाथ में एक सोने का सिक्का देख के बोलता है अब चुप हो जा। लेकिन लड़का बोलता है कि एक सोने से क्या होता है, उधर पूरा खजाना है, हम खजाना छोड़ के क्यों जा रहे हैं। फिर माँ उसको अपनी कसम दे देती है कि तू वापस कभी तुम्बार का नाम भी नहीं लेगा और कभी नहीं आएगा यहाँ पर। फिर हमें कई साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, लड़का अब बहुत बड़ा हो गया है, अब उसका माँ नहीं रहा तो उसको दिया हुआ कसम का कोई मोल नहीं है। लड़का फिर से उसी घर में वापस आया जिस घर में उसकी दादी है। लड़का देखता है घर में अभी भी दादी जिंदा है, बस उसका दिल धड़क रहा है और मुंह बोल रहा है, पूरा शरीर मिट्टी में धंस गया है। लड़का अपनी दादी से पूछता है सोना कहाँ है बता, हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन दादी बोलती है मुझे सोना नहीं चाहिए। लड़का बोलता है तुझे क्या चाहिए, दादी बोलता है मुझे मुक्ति चाहिए। लड़का मान जाता है, फिर दादी उसको सोने का राज बताता है। फिर लड़का बोलता है दादी तू फिर से सोच ले, दादी बोलता है हाँ बेटा मुझे मुक्ति चाहिए। फिर लड़का घर समेत दादी को जला देता है। विनायक राव ऐसे तैसे सोने को खोज लेता है और बहुत दिन बाद अपने घर वापस आता है। घर वापस आके देखता है उसका पत्नी आटे का काम कर रहा है। पहले विनायक राव थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है लेकिन जब उसका पत्नी डर के ऊपर चली जाती है तो वो भी उसके साथ ऊपर चले जाता है। फिर दोनों लड़ते लड़ते घपा घप करने लग जाते हैं। फिर हमें दूसरे दिन की कहानी दिखाया जाता है। विनायक राव एक पंडित से मिलने जाता है जिससे उसने कर्ज ले रखा था, उसको एक सोने का सिक्का देके वो बोलता है खरीदोगे क्या। पंडित खरीदने के लिए राजी हो गया।
फिर उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया। फिर वो पंडित से बोलता है और बहुत सोना है, खरीदोगे? पंडित राजी हो जाता है। पंडित जब पूछता है ये सोना तुम कहाँ से लाते हो, तब वो बोलता है ये हमारे पुश्तैनी संपत्ति है। पंडित को शक हो जाता है, लेकिन पंडित तब कुछ नहीं बोलता। अब विनायक राव थोड़ा थोड़ा करके सोना लाता है पंडित को बेच। अब उसके दिन वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अब उसका घर बदल गया, उसका दिन बदल गया, उसका चाल चलन सब बदल गया। लेकिन पंडित को शक था उसके ऊपर, इसीलिए एक लड़की को जासूस बना के उसके घर में भेजा। लेकिन लड़की बहुत चालाक थी, उसको पता था विनायक राव के साथ रहने में ज़्यादा फायदा है, इसीलिए उसने पंडित के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। विनायक राव ने उससे कहा कि पंडित को सोने का राज बता दो, लेकिन सोने के राज के पीछे बहुत बड़ा रहस्य था, वो उसने उसको नहीं बताया। अब पंडित तुम्बाद पहुंच चुका है उस हवेले में जहाँ पे सोने का राज छुपा है, और पंडित एक कुएं के अंदर जाता है, और थोड़ी देर बाद विनायक राव भी रस्सी से उतर के उसी कुएं में आया है। वो देखता है पंडित का भी वही हाल है जो उसका दादी का था। अब वो अपने जेब से चावल का आटा निकाल के अपने चारों तरफ एक घेरा बनाता है। फिर हंसता रहता है, लेकिन उस चावल के घेरे को पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे श्राप था वो अनाज के पास नहीं आ सकता है, लेकिन वो अनाज का भूखा था। फिर विनायक राव आटे का एक पुतला उसकी तरफ फेंक देता है, हस्तर उसे खाने लग जाता है, और विनायक राव उसके पीछे से सोने का सिक्का ले लेता है। फिर वो जब जा रहा होता है तो पंडित को देखता है, क्योंकि बुरे वक्त में पंडित ने उसको कर्ज दे के मदद किया था, इसीलिए उसका शरीर को जला देता है। फिर विनायक राव बाहर निकल के चला आता है। जैसे जैसे समय बीतता है विनायक राव का शरीर बूढ़ा होता जाता है। तब वो अपने लड़के को कुएं में आने जाने का प्रशिक्षण देता रहता है, क्योंकि उसे पता था अब वो ज़्यादा दिन कुएं के अंदर जाके सिक्के नहीं लेके आ पाएगा। फिर एक दिन अपने लड़के को वो कुएं के अंदर लेके जाता है और आटे से एक घेरा बनाता है, क्योंकि हस्तर सूखे आटा को छू नहीं सकता, और विनायक राव एक आटे की गुड़िया निकलता है, लेकिन उसका लड़का भी एक आटे का गुड़िया लेके आया था, जिसकी वजह से हस्तर उस पर हमला कर देता है। कैसे वैसे करके दोनों निकल आते हैं। विनायक राव बहुत गुस्सा होता है, लड़के को डांटते हैं। फिर दोनों गाड़ी से आ रहे होते हैं। फिर लड़का अपने पिताजी से बोल रहा होता है कि हम एक साथ बहुत सारे गुड़िया क्यों नहीं लेके जाते। फिर वो खाने में हस्तर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा, फिर हम सारा सोना लेके आ सकते हैं, जो एक सिक्के से क्या हो। लड़के की बात विनायक को अच्छी लगी। फिर दोनों बहुत सारे गुड़िया लेके कुएं के अंदर गए, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया, बहुत सारे हस्तर एक साथ आ गए। अब विनायक राव को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसीलिए उसने सारी गुड़ियों को अपने ऊपर बांध लिया और हस्तर के पास चले गए। बाहर निकलने के रास्ते में पूरा सूखे आटे का घेरा बना था। विनायक राव ऊपर चला गया, सारे हस्तर उसके पीछे ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। सूखे आटे को छूते ही सारे हस्तर खत्म हो गए। फिर विनायक राव का लड़का भी ऊपर आ गया। फिर बाहर आके अपने पिताजी को ऐसे हालात में देखना पड़ा जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं किया था। फिर पिताजी उसको सोना दे रहे थे, लेकिन उसने सोना लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था सोने की वजह से ही उसके पिताजी का आज ये हाल है। फिर उसने अपने पिताजी को जला दिया और कहानी इधर ही ख़त्म हो जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच कभी नहीं करना चाहिए।